यमुनानगर के बुढ़िया इलाके में 5 युवकों को नहर में से ढूंढने का कार्य जारी है, जबकि एनडीआरएफ की टीम, स्थानीय गोताखोरों व पुलिस की विभिन्न टीमें यमुना नहर में सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। अभी तक निखिल व साहिल का शव बरामद हो चुका है तथा बाकी युवकों की तलाश लगातार की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सुबह से ही प्रशासनिक अधिकारी भी समय समय पर घटनास्थल का दौरा कर पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ले रहे हैं। रविवार शाम सीएम रैली के बाद यमुना नहर पर नहाने गए 11 दोस्तों पर बदमाशों ने डंडों और ईंट पत्थरों से हमला कर दिया था। करीब 6 दोस्तों ने तो भागकर अपनी जान बचा ली थी, मगर 5 यमुना नहर में डूब गए थे। हमलावरों ने उस गाड़ी को भी तोड़ दिया था जिसमें सवार होकर ये 11 दोस्त यमुना पर नहाने आए थे। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और स्थानीय गोताखोरों की मदद से यमुना नहर में डूबे 5 युवकों की तलाश शुरू कर दी थी, मगर रात तक कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी थी। लिहाजा सोमवार सुबह एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और यमुना नहर में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। मौके पर डीसी, एसडीएम और डीएसपी सहित जिले के तमाम आला अधिकारी भी मौजूद रहे। एनडीआरएफ की टीम ने 2 युवकों के शव निखिल व साहिल को बाहर निकाला और मृतक साहिल के भाई सागर ने बताया कि साहिल व अन्य दोस्त कल सुबह सीएम की रैली के लिए निकले थे। गर्मी ज़्यादा होने के कारण रैली के बाद वे नहाने के लिए नहर पर आए थे कि इसी दौरान दर्जनों युवकों ने उन पर पत्थरों व रॉडों से हमला कर दिया था। उनसे बचने के लिए सभी ने नहर में छलांग लगा दी थी, उसके बावजूद भी उन पर हमला किया गया जिसमें 5 युवक नहर में डूब गए थे। साहिल वरुण नाम है जी उसका। ठीक है सर। सर एक सुबह रैली में निकले थे अपने 8-10 बजे जी। रैली खत्म होने के बावजूद ये लोग फिर अपना खाने पीने के मतलब घूमने फिरने के लिए यहाँ पे आए थे। नहाने के लिए गर्मी ज़्यादा थी, नहाने के लिए आए थे। फिर इतने मेरे 20-25 छोकरे पीछे से आए बाइकों पे, उन्होंने डंडे और राड़ों से इन पर हमला किया और पानी में डूबने से इन्होंने ऊपर से ईंटे पत्थर मारी जी। मतलब इन्हें तैरने का मौका तक नहीं दिया सर। वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सुबह से ही प्रशासनिक अधिकारी भी समय समय पर घटनास्थल का दौरा कर पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ले रहे हैं। जानकारी लेने पहुंचे जिला उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने बताया कि बुढ़िया नहर पर 5 युवक नहर में डूब गए थे, उसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। उन्होंने बताया कि 5 युवकों में से 2 के शव बरामद कर लिए गए हैं और अन्य 3 युवकों की तलाश जारी है। वहीं उन्होंने कहा कि तलाशी अभियान को देखते हुए नहर के पानी को भी कम किया गया है। उन्होंने कहा कि एनडीआरएफ स्थानीय टीम का ज्वाइंट अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2 पक्षों की आपसी रंजिश का मामला बताया जा रहा है। एक गुट पहले ही यहां पर मौजूद था, इस बीच दूसरे गुट ने उन पर हमला कर दिया जिसमें युवकों ने अपने आप को बचाने के लिए नहर में छलांग लगा दी और जिस कारण उनकी मौत हो गई। बुढ़िया के पास जो है कल 5 लोगों के डूबने का हादसा हुआ था और उसके लिए जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और जो 5 साथी कल डूबे थे उनमें से 2 की बॉडी जो है रिकवर कर ली गई है और अभी भी जो है बाकी 3 को तलाशने का प्रयास चल रहा है। पानी के लेवल में बताया जा रहा है कि गिरावट आई है, 3 से 4 फुट गिरावट आई है और इसमें हमारी जो लोकल जो हमारे कुछ साथी हैं डाइवर्स हैं वो भी लगे हुए हैं और एनडीआरएफ की टीम जो बुलाई गई है उसके जो हमारे साथी हैं वो भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में प्रयास करते हैं। और देखिए ये जो डिटेल है वो मोटी मोटी है कि इसमें 2 गुटों के बीच आपसी रंजिश थी और उसकी वजह से जो एक गुट यहाँ पे पहले कनाल पे आया हुआ था उस पर जो है एक तरह से हमला जो किया दूसरे गुट ने किया, उसके बचाव के चक्कर में कुछ लोग उसमें जो हमारे 5 जो युवा थे वो उसमें। वहीं पुलिस भी इस पूरे मामले में अपनी नज़र बनाए हुए है। डीएसपी प्रमोद ने बताया कि आपसी रंजिश के चलते इन युवकों पर हमला किया गया। फिलहाल 13 नामजद व कई अन्यों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बच्चे यहाँ स्नान कर रहे थे और उनके एंटी ग्रुप यहाँ आया जिसको देख के उनका आपस में पत्थरबाजी हो गया था और वो जो बच्चे पानी गहरे पानी में चले गए थे और उसमें से 5 बच्चे डूब गए और 6 बच्चे आसपास से होकर निकल गए थे। तो कल के ही रेस्क्यू टीम आई है, आज एनडीआरएफ की टीम आई है सुबह 6 बजे से और उसके अलावा एक मधुबन से टीम आई है, एक डीसी साहब की तरफ से टीम आई है, 3-4 टीमें काम कर रही हैं, उनमें से 2 बच्चे रेस्क्यू कर लिए, अभी 3 पकाया है, उनको भी करने लग रहे हैं शीघ्र अतिशीघ्र उनको भी करने लगे। 143 जगह मुकदमा दर्ज किया गया, 13 व्यक्तियों के खिलाफ अभियोग अंकित किया गया। हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें सिटी लाइफ हरियाणा। फेसबुक पर भी हरियाणा की हर अपडेट के लिए सिटी लाइफ हरियाणा पेज को लाइक करें।